नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शिखा शर्मा भी इस बुलेटिन में मौजूद है। ल्यूमिनस स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो उत्तर प्रदेश के आगरा से मिल रही है, जहां पर 55 पुलिसकर्मियों पर बड़ा एक्शन हुआ, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें 55 भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया में ढिलाई बरती थी। न्यू आगरा पुलिस स्टेशन, हरिपर्व, शाहगंज, कमलानगर पुलिस स्टेशन में तैनात 4 सब इंस्पेक्टर भी इसमें शामिल हैं। आगरा में भ्रष्ट पुलिस वालों पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। 55 भ्रष्ट पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं। पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया में ढिलाई बरतने का इन पर आरोप है, जिसके बाद हुई है ये बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे हैं और वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मोदी 3.0 यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद उनका यह विदेशी दौरा पहला विदेशी दौरा है, इटली पहुंचे हैं। आज G7 के कार्यक्रमों में हिस्सा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं। तो आपको बता दें कि जो वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंचे, इस समिट में होने के लिए भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर समिट में वैश्विक नेताओं के साथ जुड़ने का ये एक बेहतर अवसर होगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे उस वक्त की तस्वीर, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया एयरपोर्ट पर। तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आपको बता दें कि कई अहम बैठकों में हिस्सा, आज जो G7 के कार्यक्रमों में हिस्सा प्रधानमंत्री लेने वाले। दो तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी के मेहमान अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, और यह भी देखा गया कि जॉर्जिया मेलोनी जिन्होंने नमस्ते करके सभी का स्वागत किया, और द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, द्विपक्षीय मुलाकात की तस्वीरें।